क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है NTA UGC नेट सोशल वर्क समाज कार्य का, जिसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2022 को पेपर है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग विगत वर्ष के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग दिसंबर 2015 का जो पेपर है उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ तक 60 कंप्लीट करवा रखा है आप लोगों से। दिसंबर 2015 का दो पेपर हुए थे, एक द्वितीय प्रश्न पत्र था और एक तृतीय प्रश्न पत्र था। उन दोनों पे मैं चर्चा आप लोगों से कर चुका हूँ। तृतीय में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिया है। 61 आपके सामने है दिसंबर 2015 का। और आज का ये पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हालांकि कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये प्रश्न आप सभी का। तो श्रम का सामाजिक विभाजन, जो श्रम का सामाजिक विभाजन है वो किससे मैच करेगा? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस्माइल दुर्खिम का, देखिए है ना। देखिए मैं आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग जब जवाब देंगे तो पता चलेगा कि आपको ये प्रश्न आता है, ठीक है। तो जो श्रम का सामाजिक विभाजन है ये बेसिकली 1800, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, 1893 में आया था। हाँ, 1893। हालांकि इस्माइल दुर्खिम की बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जो एग्ज़ाम में UGC में पूछी जाती, जैसे द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स पूछा जाता है, तो वो भी किताब जो आती है वो भी इस्माइल दुर्खिम की 1895 है। सुसाइड की बात करेंगे तो ये भी द सुसाइड किताब भी 1897 की किताब है इस्माइल दुर्खिम की ही। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स लाइफ की अगर मैं बात करूँगा इस्माइल दुर्खिम का, तो ये भी किताब उसी की है, सन 1912 में, ठीक है। और सोशोलॉजी ऑफ फिलोसफी के रूप में एक किताब लाया था इन्होंने, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। और एक आया था, नहीं फिलोसफी 1924 में, और एक आया था मॉरल एजुकेशन आया था, क्या था मॉरल एजुकेशन जो था वो भी 1924 का था। तो ये कुछ किताबें हैं इस्माइल दुर्खिम का, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है। बात करते हैं वहाँ पे दूसरी प्रक्रिया पे। देखिए सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया चार्ल्स कोले की ही है। मैं आपको बता दूँ, कोले ने एक समाजीकरण का सिद्धांत दिया था। तो कोले का एक प्रसिद्ध पुस्तक आई हुई थी, उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया था और ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर की बात किया था। जब ये प्रक्रिया चल रही थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो वहाँ पे कूले एक महोदय द्वारा ये किताब जो है प्रस्तुत की गई थी। तो आप लोग से अगर मैं बताऊँ तो सामाजिक प्रक्रिया के बारे में जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो कहीं ना कहीं CH कूले के द्वारा ही ये प्रक्रिया प्रतिपादित की गई है। CH कूले, इनका पूरा नाम तो आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा, ठीक है। तो याद, हाँ, तो सामाजिक प्रक्रिया 1918 में लाई गई थी चार्ल्स हटन कूले का। तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग, 1918। लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत भी इन्हीं का है, ठीक है, ठीक है। जीवन और छात्र की बात करते हैं 1927 में, इन्हीं यही विद्वान, जीवन और शास्त्र, छात्र, जीवन और छात्र, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन को लेकर, क्या चीज आपने चार्ल्स कूले का जो भी बताया फिर रिपीट कीजिए, आपकी आवाज कट गई थी तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आवाज मेरी ब्रेक हो रही है क्या? ओके, तो जीवन और छात्र की बात करेंगे, ये किताब हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया ये किताब है, ठीक है, क्लियर हुआ? सर ईयर बता दीजिए। कहाँ हो, स्क्रीन देख रही हो कि कुछ कर भी रही हो? जीवन, ठीक है। आगे बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन को लेकर, सोशल चेंजेस को लेकर। सोशल चेंज जो है WF अकबर 1922 में ये किताब लाया था, आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैच कर जाएगा तीसरे से।
सामाजिक वर्ग जो है वो टीएच मार्शल का है, इनका एक ही किताब और काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है सोशल क्लास करके 1950 में। सर ये थोड़ा बता दीजिए। 1950 में सामाजिक क्लास यानी सामाजिक वर्ग के बारे में टीएच मार्शल ने बताया था, ठीक है, टीएच मार्शल ने बताया था। इसमें क्या बताना है बताओ, तो इसमें बताऊं क्या, सामाजिक वर्ग के बारे में समझाना है? वो सामाजिक वर्ग का है क्या सर? नहीं, सामाजिक वर्ग अलग है, सामाजिक स्तरीकरण अलग है, सोशल क्लास अलग होता है, सामाजिक स्तरीकरण अलग होता है। सामाजिक वर्ग जो होता है समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह बनाया जाता है। वर्ग जो 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 स्तरीकरण होता है वो अलग होता है, वो उच्च और निम्न के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट बनता है। बेसिकली सामाजिक विज्ञान में सामाजिक वर्ग की अक्सर सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में ही चर्चा किया जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का समूह माना गया है सामाजिक वर्ग को। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, समझ में आ गया? ऑप्शन बताओ। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप बताइए कि निम्नलिखित में से जोड़े आपके सामने हैं, सम्मिलित करना है, जो संघ है, विच्छेपण है, विसंगतियाँ हैं, भिन्नता है। पहले एक बार आप इंग्लिश देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए, है ना। एसोसिएशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कौन किसको मैच करने वाला है, तो मैं आप लोगों को इंग्लिश भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, है ना। पेपर में भी थोड़ा बहुत आप इंग्लिश देखते रहिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संघ को, तो संघ बेसिकली एक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएट को रिप्रेजेंट करता है। विच्छेपण की अगर हम लोग बात करेंगे तो मानक विचलन को रिप्रेजेंट करेगा, और विसंगति की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा इनोवा टेस्ट को, विसंगतियाँ इनोवा टेस्ट में, और भिन्नता तो जाहिर सी बात है टी टेस्ट का ही पार्ट मानी जाती है, ठीक है। थोड़ा सा टर्म यहाँ पे जो शब्द दिया गया है ये थोड़े से आप लोगों के लिए टफ हैं, बाकी कुछ इसमें है नहीं। संघ का मतलब एक एसोसिएशन को रिलेट करा था, और एसोसिएशन का मतलब होता है यहाँ पर अगर हम सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो यहाँ पे संघ और क्लाइंट के बीच में एक सामंजस्य की बात कर रहा है। तो ऐसे में सामंजस्य का या कोरिलेशन की बात करने की जो प्रक्रिया होती है वो सहसंबंध में होती है, ठीक है। विच्छेपण, ये जो विच्छेपण शब्द है आपका, विच्छेपण, ये विच्छेपण शब्द आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? विच्छेपण शब्द मानक विचलन को रिप्रेजेंट करता है। विच्छेपण का मतलब होता है कि एक प्रकार से कोई एक्टिविटी अगर हो रही है दो क्रियाविधि के बीच में, तो उसके आसपास में जो भी क्रियाविधि हो रही है उन क्रियाविधि को एक मानक विचलन के अंतर्गत रखा गया था। अब समझने वाली बात आप सबके लिए ये है कि मानक विचलन क्या है, और वही मानक विचलन के अंतर्गत विच्छेपण आता है। तो जब कभी भी सांख्यिकी जनसंख्या में डेटा या प्रोबेबिलिटी वितरण का जब हम प्रसरण का वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसे में हम इसको नाम देते हैं स्टैंडर्ड डिवीज़न। तो मैं आपसे बता दूं कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया, प्रश्न होता है ये बेसिकली आंकड़ा या प्रायिकता का जो वितरण में प्रसरण का वर्गमूल होता है वही मानक विचलन होता है। सर आप बीच-बीच में चली जा रही हैं। सर आप एक बार फिर से करिए ना जॉइन, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप मुझे बताइए जरा, ऑप्शन में कौन सा करेक्ट माना जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो कौन सा मैच हो रहा है? पहला वाला मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन मुझे ही नहीं दिख रही, सबको आ गई यार, आ गई यार, स्क्रीन आ रही सबके? हां धन्यवाद, ओके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, क्वेश्चन 63 दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने? ठीक है, देखिए पहला प्रबलन, प्रबलन मतलब रेनफोर्समेंट है जिसको पुनर्बलन का नाम देते हैं आप लोग, ये किसको, कौन से सिद्धांत को? व्यवहार मूलक सिद्धांत को हमें आता है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये व्यवहार मूलक सिद्धांत से मैच हो रहा है। फ्री एसोसिएशन ये सिगमंड फ्रायड का है, तो जरा मुझे बताओ किसको?
मनोविश्लेषण, ठीक है। और क्रिप्स्ट एंड स्टोक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ओके ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैच करेगा समव्यवहार विश्लेषण को। और बाउंड्री किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये बाउंड्री सामाजिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली का। चलिए एक बार जरा मुझे आप सभी लोग बताएं कि स्क्रिप्ट्स एंड स्ट्रोक्स क्या है, ये क्या चीज है? देखिए ये लाइफ, बेसिकली लाइफ स्ट्रोक के अंतर्गत जो क्रिया प्रक्रिया चलती है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आई एम ओके, यू आर ओके, ठीक है, ये स्क्रिप्ट्स एंड स्ट्रोक्स समव्यवहार विश्लेषण के ही अंतर्गत आता है। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ठीक है, वन डाउन पोजिशन, फ्लोरेंस, ठीक है, ट्रांस एनालिसिस थ्योरी के अंतर्गत द स्क्रिप्ट्स ऑफ, जो इसको फॉलो किया था थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो ये आपको जो आई एम ओके यू आर नॉट ओके की अंतर्गत आई है, फोर ऐसी लाइफ पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये चारों के चारों जो है समव्यवहार विश्लेषण के ही अंतर्गत आती हैं। अब ट्रांस एनालिसिस थेरेपी, अगर थ्योरी की बात करेंगे तो ये किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? ट्रांस एक्शनल जॉर्ज होमस। देखो यहाँ जब देखो एरिक बर्न जो है इसको एक साइको एनालिटिकल थ्योरी और मेथड थेरेपी के नाम में इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है, तो एरिक बर्न का नाम वहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ जो स्क्रिप्ट्स और स्ट्रोक्स की बात में आ रहे हैं ट्रांस एनालिसिस के रूप में, ये नाम लेके आते हैं आपके सामने जॉर्ज होमस, हाँ समव्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत भी इन्हीं को कहा जाता है। तो द स्क्रिप्ट वी फॉलो वाला जो प्रक्रिया होती है वह यही होता है, उसका यही नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ठीक है, TA इसको कहा जाता है, ट्रांस एक्शनल एनालिसिस कहा जाता है ये, ठीक है। और बाउंड्री क्या होता है, ठीक है, बताइए। उन्होंने नाम को गड़बड़ कर दिया है। बाउंड्री सोशल सिस्टम थ्योरी क्या गड़बड़ कर दिया है सर, आप बताइए, नहीं समझ आ रहा। देखिए ये बाउंड्री की बात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बताया गया है सबकी सीमाएं, दायरे, तो शैक्षिक, व्यावसायिक, राजनीतिक और सोसाइटी एट्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज़ होती है सोशल सिस्टम के अंतर्गत उनकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताया गया। तो सामाजिक सीमाएं होती हैं, नियम का एक समूह होता है जिसके बाद अधिकांश लोग एक विशेष समाज में जहाँ प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार और कल्चर यानी संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश की जाती है। तो कहा जाता है कि बाउंड्री इन सोशल सिस्टम यानी सिस्टम जो सिद्धांत है उनमें सीमाएं कौन कौन सी है, उनकी सीमाओं के बारे में एक डेटा को सही तरीके से निरूपण करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो सामाजिक प्रणाली के सिद्धांत में किया जाता है बाउंड्री, तो सीमाएं जो बताई गई हैं सारे सभी सामाजिक पक्षों में वो आप ध्यान रखिएगा सोशल सिस्टम थ्योरी में बताई गई है, सोशल सिस्टम थ्योरी में बताई गई, बाउंड्री ऑफ सोशल सिस्टम थ्योरी में बताई गई है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताइए जरा, तीसरा, ठीक है, यहाँ पे थर्ड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, बताइए जरा, समूह जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो समूह है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, ये सही है, और सदस्यों के स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं, तो ये भी बात आपको मैं बताऊँ, ये भी सही है ना। तो सामाजिक समुदाय में भी आप जानते भी हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वो समूह होता है जो एक दूसरे इसके संपर्क में आते हैं, ठीक है, वहाँ पे एकता वगैरह की भावना भी पाई जाती है, तो वहाँ पे सदस्यों के स्वनिर्देशित लक्ष्य भी होते हैं।
तो आप बताइए जरा यहाँ पे कि सामाजिक जो है संबंधों का जो जाल है, इसको सदस्यों का स्वनिर्देशित लक्ष्य कहीं स्पष्टीकरण कर रहा है या उसकी परिभाषा या व्याख्या कर रहा है? नहीं लग रही सर। नहीं लग रहा है। तो जब नहीं लग रहा है तो इसको आप ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें, ठीक है? बी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। पूरे विश्व में बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार हैं, सही है। ठीक है? हाँ सर। किसी भी दिए गए समाज में बच्चों के पालन पोषण की प्रथाओं और बच्चों की दशा निर्देशित करती है या निर्धारित ये करती भी है। सही है, ये भी साफ है। ये भी सही बच्चा है। के अधिकार तो के अब आपको बताना है कि पूरे विश्व में बात एक तरफ हो रही है बच्चों को लेकर, भेदभाव को लेकर वहाँ पे, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी दिए गए समाज की बात कर रहा है जहाँ बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं बच्चों का दिशा निर्देश निर्धारण कर रही है। तो दोनों व्याख्या सही है? व्याख्या तो नहीं है पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, थोड़ा हाँ, दोनों सा कुछ स्टेटमेंट बताइए। आपका सत्य है परंतु व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का निर्णय लोगों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक नहीं व्यक्ति का सर, व्यवहार जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार जो होगा, निर्णय लोगों द्वारा किया जाता है। क्यों नहीं सही भाई? केस ये वर्क, सही है सर, अगर सर हम बात आपका करें ग्रुप व्यवहार वर्क, थोड़ी बताया सर, कम्युनिटी मुझे वर्क की थोड़ी बात अगर बताया हम सर। करेंगे तो वो सारी चीज़ें होती है, उसमें जितने भी क्लाइंट होता है, आप ऐसे रूप में ना समझे कि आप लोगों का जो व्यवहार है निर्णय द्वारा लोगों को कैसे लिया जाता है, एज अ नॉर्मली ना, यहाँ एक एक सामाजिक कार्यकर्ता और क्लाइंट के बारे में सोच के करेंगे तो आपका इस जवाब सही आएगा। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। व्यक्ति का व्यवहार उसके द्वारा ग्रहण किए गए उत्तरदायित्व तो और सामाजिक वातावरण के संदर्भ में उन्हें निष्पादित करने के तरीका या तरीकों पर निर्भर करता है। तो बताइए जरा, सही व्यक्ति है, का जो व्यवहार सही होगा, है। उनके द्वारा ग्रहण किए गए जो उत्तरदायित्व होंगे, जो सामाजिक वातावरण होंगे, उनके संदर्भ में निष्पादित करने के तरीकों का निर्भर करता है। तो मैं आपसे कहूँगा स्टेटमेंट कि ये सही है, दोनों सही हैं। तो इसकी व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है सर, इसकी हाँ, व्याख्या यहाँ हो रही है। व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है? समाज स्तरीकृत होता है, बात तो ठीक है, क्या सही? क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जवाब सही है। सामाजिक स्तरीकृत होता है और अस्तरण जो होता है नस्ल और निर्जातिता के कारण बनता है। क्या यहाँ पे सही सही है, जवाब सही होगा? है सर। हाँ अस्तरण क्या है? अस्तरण, जी क्या कह रहे हैं? देखिए, एक प्रकार से यहाँ पे जो अस्तरण है, नस्ल है, निर्जातिता है, जैसे इन्होंने कहा विभाजन, बिखराव, फैलाव, जैसे अभी किसी ने कहा स्तरीकरण, वही शब्द यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? इसका कारण है सामाजिक स्तरीकरण का, या सामाजिक स्तरीकरण का, ठीक है? तो यहाँ पे सही जवाब दोनों है। व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है? तो व्याख्या तो व्याख्या जैसे हो रही है, नहीं, सामाजिक व्याख्या स्तरीकरण हो रही होता है। है, इसने बताया सामाजिक स्तरीकरण होता है, तो होता है, तो यहाँ पे बताया कि, तो हमने कहा भाई क्यों, तो आपने कहा क्योंकि अस्तरण नस्ल और निर्जातिता के कारण होता है। हालांकि व्याख्या हो रही है, ठीक है? यहाँ पे व्याख्या अगर हम बात करें 67 की तो व्याख्या हो रही है, उन्होंने तो लेकिन यहाँ पूछा नहीं है। इसमें व्याख्या पूछा नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन कौन नंबर सा ए ऑप्शन का है ही सर? चुनाव करेंगे फिर हम, ठीक है? ये गलत हो जाएगा, गलत, ये तो गलत है ही नहीं, ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पर। जाहिर सी बात है यहाँ पे जब स्पष्टीकरण वाला नहीं है, ठीक है? तो हालांकि अगर एग्जाम ऑप्शन में अगर रहेगा है वाला तो इसको काट के है वाले को लगाइएगा, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर तो पहला, व्याख्या हो रही है तो नई वाले को क्यों बनाएंगे? ऑप्शन नहीं है सर, कहाँ ऑप्शन है बताओ जरा, मतलब क्यों इतना वो करते मतलब हो? दोनों सही है, होता हमारी अगर राय मैंने पड़ी कहा है। कि अगर ऑप्शन में अगर होता तो फिर हम उसको लगाते, कोई ऑप्शन अगर आप बताओ इसके अलावा तो मैं करूँ उसको सही। चलो आगे देखो, 68 देखो। समाज कार्य एक मानव सेवा का व्यवसाय है, समाज कार्य एक मानव सेवा का व्यवसाय है, तो मैं आप लोगों से हाँ सर, कहूँगा कि इसको सही मानो, ये सत्य है,
मानव सेवा का व्यवसाय माना जाता है क्योंकि मानवतावाद पर तो आधारित हो गया है। अब सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए ज्ञान, निपुणता और मूल्य अर्जित करता है। बात तो ठीक है, ये भी है, तो ये भी सही है। तो बताओ व्याख्या हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पे व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी फोर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रिया जो अनुसंधान है यानी फंक्शन रिसर्च है, उसमें बताया गया है कि व्यवसाय समाज कार्य की जो दृश्यमानता में वृद्धि कर सकता है। क्या ये बात सही लग रही है कि दृश्यमानता में जो क्रिया अनुसंधान है वो आपका व्याख्या कर सकती है? बिल्कुल सही है, ये सत्य है, वृद्धि कर सकती है। और सभी जो समाज कार्य शोध क्रिया हो, सभी समाज कार्य अनुसंधान क्रिया अनुसंधान है, गलत जवाब हो जाएगा यहाँ पे। तो सभी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। एक मिनट, ए सही है, आर गलत है ना? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर एक आप देखिए, वो आपका सही माना जाएगा। 70 देख लीजिए, समाज कार्य अनुसंधान में परिकल्पना यानी परिकल्पना का परीक्षण सदैव सम्मिलित रहता है। अब देखिए अनुसंधान में तो रहेगा ही, तो बात सही है भाई, इसमें कहाँ गलत है? समाज कार्य अनुसंधान में नहीं, सदैव होने के वजह से गलत हो जाएगा। हाँ गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो परीक्षण सदैव सम्मिलित नहीं होता भाई, कभी कभी हम परिकल्पना का यूज़ नहीं करते अनुसंधान में, जैसा कि आप लोग जानते भी हो, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। परिकल्पनाएँ साहित्य समीक्षा से प्राप्त तार्किक निष्कर्ष निकालती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, परिकल्पना जो होती है वो साहित्य, देखो केवल परिकल्पना के बारे में बात की जा रही है ना, ठीक है, तो केवल परिकल्पना के बारे में बात की जा रही है, सेपरेट यहाँ पे समाज कार्य शोध की बात हो रही थी, ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही परिकल्पना में, तार्किक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ये सही है। तो ए गलत हो गया, आर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड। ये देखिए व्याख्या वाला है, आप लोग इसको कर लीजिएगा व्याख्या वाला, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे जो हुआ आप लोगों का ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया यहाँ पे पेपर। इसको आप जो है इसको सही तरीके से आप लोग जो है करिएगा पढ़ के घर पे, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेपर लेंगे। देखिए मैंने कल आप लोगों से बता रहा था कि कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं कुछ योजनाओं के बारे में बता देना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए उसको। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक आती है, ठीक है, एक एक योजना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इस योजना को जो शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, इसकी शुरुआत। तो इसमें कभी कभी इन शॉर्ट में पूछ लेता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत, या ट्रिपल बी और पी की शुरुआत योजना जो है 22 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसी समय एक और योजना आई थी सुकन्या समृद्धि योजना, तो सुकन्या नोट कर लीजिएगा इसे भी, समृद्धि योजना थी, यही डेट थी, इसमें कोई अंतर नहीं था, वही डेट इसमें भी थी, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य एक ही था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बात करता था यह योजनाएँ। बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है उज्ज्वला योजना। और जो उज्ज्वला योजना है ये BPL परिवार को LPG मुक्त कराने के परिपेक्ष में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये 1 मई 2016 को था, 2016 ठीक है, 1 मई 2016 को था। और एक था उजाला योजना, एक था उजाला योजना, ये 1 मई 2015 था। इसमें अगर हम बात करेंगे तो बिजली खपत करना और कम करने हेतु LED बल्ब को कम मूल्यों में वितरित करने की बात कही गई थी। तो ये उजाला तो हालांकि UGC में नहीं उतना पूछा गया है, लेकिन उज्ज्वला जो योजना है ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, है ना, कई एग्ज़ाम में आए हैं वनडे एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो ये तो बहुत सरल थे, आप लोगों को पता हो गया, 15-16 क्रम में याद करते चल रहे हैं हम लोग, 15, 16 और 15, है ना। उजाला योजना का ईयर क्या बताया आपने? उजाला देखो 1 मई 2015 लिखा हुआ है, है ना। एक योजना था आपको बता दूं तो स्टैंड अप इंडिया योजना थी, स्टैंड अप इंडिया योजना थी,
और यह योजना जो थी 5 अप्रैल 2016 की थी। 2016 हाँ, एससी और एसटी जो महिलाएं थी प्रधान उनको नए उद्योग की स्थापना के लिए, ठीक है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराने की बात की गई थी। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया आप ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो स्टैंड अप है ना, स्टैंड अप, तो स्टैंड अप में अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, 5 है ना, और अप में अगर हम बात करें तो अप्रैल को नोट कर लीजिए, ठीक है, और इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया तो ही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया आप जानते हो सोने की चिड़िया कही जाती है, तो इसलिए आप 16 इस तरीके की याद रख सकते हैं, 2016 है ना, सोने की चिड़िया बोलते हैं ना भारत को अपने, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हो 5 अप्रैल 2016 को ये आई थी। तो ये दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हो, कोई भी ट्रिक बना के आप सब लोग, है ना। एक आया था उड़ान योजना, आप लोगों ने तो मालूम ही हुआ, उड़ान योजना थी एक, 27 अप्रैल 2017 को आया, हाँ 27 अप्रैल 2017 को आया था, आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा सस्ती हवाई उड़ान के परिपेक्ष में था ये, तो 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और उसके बाद आता है स्किल इंडिया योजना थी, स्किल इंडिया 15 में योजना थी, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, 15 जुलाई 2015 को आई थी, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 2020 तक के युवाओं का कौशल विकास करने की बात कर रहा था, ठीक है, तो यार 22 तक 2020 तक, 22 तक 22 तक कर लो, बढ़ा दिया गया है उस उसका उद्देश्य ना। सेतु भारत योजना की अगर हम बात करते हैं, एक योजना ये भी थी, सेतु भारत योजना थी, 4 मार्च 2016 का रहा, ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग हेतु ओवर और अंडर पास बनवाने के परिपेक्ष में ये था। तो सेतु भारत योजना 4 मार्च 2016, किसके लिए थी? राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग हेतु ओवर और ओवर फ्लाई ओवर जो नहीं होता है, फ्लाई ओवर और अंडर पास वगैरह बनवाने की जो बात कर रहा था, सेतु भारत योजना के माध्यम से होता था। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, तो इतना तो इम्पोर्टेंट है ही है, आप सब लोग इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य आयुष्मान एक योजना चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 23 सितंबर 2018 को, 18 ठीक है, जहाँ पे गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने की बात की गई थी, इसीलिए इसको बोला गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ठीक है, आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, और ये था 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, एक आयुष्मान करके था, आयुष्मान, अच्छा, यह छोड़ दीजिए इसको, आयुष्मान एक था डिजिटल इंडिया था, एक था भारत, डिजिटल डिजिटल इंडिया योजना थी, डिजिटल इंडिया योजना थी, और ये हाँ 1 जुलाई 2015 को था, ठीक है, और एक स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया था, स्टार्टअप इंडिया था, ये 16 जनवरी 2016 को था, 16 जनवरी 2016 को था, ठीक है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और एक आपका था प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, स्टार्टअप इंडिया योजना जो चलाई गई थी, ये बेसिकली नवाचार और पोषण के लिए था, ये इकोसिस्टम का निर्माण करता था ये, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को। और एक योजना चलाई गई थी मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया जो थी वो 25 सितंबर 2014 को था, ठीक है, मेक इन इंडिया जो थी वो था 25 सितंबर 2014 को था, ठीक है। और एक था मिशन इंद्रधनुष योजना थी, है ना, मिशन
इंद्रधनुष योजना थी, इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को था ये, ठीक है। हाँ, बच्चों को अनेक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण करवाता था ये, है ना। और उसके बाद एक प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें 28 अगस्त 2014, आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये योजना हो गई आपकी, तो ये सारी योजनाएं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको रट लो, आना है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मैच करने में मिलेगा आप लोगों को, देख लेना। 1 फरवरी 2019 को है ना, 1 फरवरी 2019 को, ठीक है, किसानों के सम्मान के लिए बात की गई थी इसमें, ठीक है। और एक था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, और नाम से ही पता चल रहा है संपदा योजना, 10 सितंबर 2020 का था, है ना। मत्स्य मतलब मछली पालन, है ना, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 10 सितंबर, हाँ 10 सितंबर 2020। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, 60 वर्ष से पूरे होने पर 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की बात, अभी हाल ही की बात है ये, हो सकता आप लोगों से पूछा जाए। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को चलाया गया था, क्लियर हो गया। किसान मानधन योजना, मानधन योजना, ठीक है। 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर, 3,000 रुपये है, और सर वो किसान सम्मान निधि है उसमें शायद 6,000, ठीक है। सही। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई और एक जन औषधि योजना थी, इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ संबंध में है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आपने नाम सुना होगा, एग्ज़ाम में आता भी है, सितंबर 2000 में आया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रहेगा ये। प्रधानमंत्री आवास योजना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, ठीक है, याद रहेगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेगा तो उसको बताना 1 अप्रैल 2016, ग्रामीण के परिपेक्ष में 1 अप्रैल 2016 ग्रामीण के परिपेक्ष में, ठीक है, याद रहेगा ना ये। और एक था, क्या था उसका, स्वर्ण शहरीकरण क्या था वो लिखा हुआ था, याद आ रहा किसी को, क्या सर शहरी, क्या था, क्या फिर से बोलो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, हाँ इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। रोज
ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है ये सारा, है ना। चलो तो ये आज के लिए बस इतना ही रखो, जो है ये क्या नाम है इसका पेपर, यहीं तक रखो ये वाला, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेपर करेंगे अब हम लोग, ठीक है ना। बाकी इसको आप यहीं तक रखो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे अब हम लोग।